हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आलू की कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ उबले हुए आलू ले लिए, यहाँ बारीक कटी हुई प्याज मैंने ले लिया है और बारीक कटी हुई 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और थोड़ा सा इसमें हम जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश करके मिक्स कर लेंगे। हम इस तरह से उसका डो तैयार कर लेंगे उसे मिक्स करके, और हम ऐसे थोड़ा सा अमाउंट इसका हाथ में लेकर और इसकी हम इस तरह से गोल शेप देकर इसकी इस तरह से हम टिकिया बना लेंगे। इस तरह से हमें टिकिया बना लेना है। इसी तरह हम सारे बैटर का टिकिया बना लेंगे। इस तरह से हम टिकिया बना लेंगे। और मसालों के लिए मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है, लहसुन ले लिया है, काली मिर्च ले लिया है, हल्दी ले लिया है, मिर्च पाउडर ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, और अदरक, इन सभी चीज़ों को हमें पीस लेना है। मैंने इन टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर तेल ले लिया है। आप चाहे तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके ये सारे टिक्के डाल देंगे और इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। टिक्के एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, गोल्डन हो गई है। अब इसे हमें पलट के हमें दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। इसे आप हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें जिससे हमारे टिक्के टूटेंगे नहीं। अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आपके टिक्के टूट जाएंगे, इसलिए इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें। इस तरह से दूसरी साइडों से भी इसको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं हमारे टिक्के दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह आप सारे टिक्कियों को फ्राई कर लीजिए। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और उसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसे अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसे हम अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए डाल देंगे और इसे हम गलने तक भून लेंगे। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से गल जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें। आप देख सकते हैं टमाटर हमारी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें हमने जो मसाला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो पीस कर हम डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हमें मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, इस तरह से बीच बीच में से चलाते रहे जिससे वो कढ़ाई से चिपके नहीं, और इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मसाला हमारी अच्छी तरह से भून गई है, साइड से तेल आने लगी है, मतलब मसाले हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें आप अगर आपके पास मलाई हो तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 1 बड़ी चम्मच इसमें हम मलाई ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें आप 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला डाल दें और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। पानी इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम आलू की टिक्की इसमें डालेंगे तो वो पानी पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है आपको। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने दें। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब जो हमने टिक्के रखे थे वो सारे इसमें डाल के इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो ये सारे टिक्के टूट जाएंगे, और जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए तभी इसमें ये टिक्के डालें। अब इसे 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से उबाल देंगे। इसमें आप हरा धनिया भी डाल दें।
आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गया इसे उबाल आते हुए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। मेरी यह रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।